अगर मुझे पता चल भी गया कि मैं कैसे मरी थी, तब भी क्या फर्क पड़ना है? देखो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें नहीं पता तुम यहां क्यों हो और कब तक रहोगी। हो सकता है अपनी डेथ के बारे में जानकर तुम इस घर से फाइनली निकल सको। एक्चुअली यहां से निकलना मसला नहीं है, मैं इस घर से काफी दफा बाहर जा चुकी हूं। व्हाट? तुम इस घर से बाहर जा सकती हो? तो जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिर्फ एक हद तक ही दूर जा सकती हूं। कितनी दूर तक? अब तक सबसे दूर आई थिंक मैं कारसास तक गई हूँ, काफी अरसे तक जाती रही हूँ। कारसाज? इतनी रैंडम जगह? वहां क्या करती थी? लोगों को दुल्हन के कपड़ों में चुड़ैल बन के डराती थी। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बहुत फनी हो तुम। वेट अ मिनट, तुम कारसाज की चुड़ैल हो? थी, आई डोंट डू दैट गिग एनी मोर। तुम्हें पता कैसे चला? वेट अ मिनट, वॉज आई फेमस? नहीं, तुमने कारसाज की चुड़ैल को देखा जरूर होगा, लेकिन वो तुम नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता। क्यों? यकीन नहीं आता। नहीं, अच्छा सुनो, मैं मजाक कर रहा था। एटलीस्ट एटलीस्ट लाइट्स तो जला दो यार। देखो, बहुत अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ गई? अच्छा, माफ कर दे, मजाक कर रहा था यार। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मजाक कर रहा था, तुम ही कारसाज की चुड़ैल हो। यकीन आया? देखो, अगर तुम मर गई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे भी मार दो। इसीलिए कहते हैं नेवर डाउट अ गोस्ट। कौन कहता है ये? कहता होगा कोई, मुझे क्या पता। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस घर से बाहर जा सकती तो बाहर ही रहती ना, ये वापस आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जहां भी जाती थी कुछ घंटों बाद वापस यहीं आ जाती थी, ना चाहते हुए भी। मुझे क्या पता, शायद ये मेरा ही घर हो और मैं यहीं मरी हूं, हु नोज। हाँ, जब भी तुम अब तक यहीं हो, आई थिंक जब तक तुम्हें अपने मरने की वजह नहीं पता चल जाती ना, तुम यहीं भटकती रहोगी। ये कोई लो बजट हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं है कि भूत अपने मरने की वजह जानने के बाद फौरन गायब हो जाए। तो खुद ही सोचो ना, तुम हर बार यहीं वापस क्यों आ जाती हो? और तुम कैसे मरी, ये टॉपिक भी तुम लेकर आई। इसका मतलब सबकॉन्शियसली तुम भी ये सब जानना चाहती हो, नहीं? ठीक है, अगर ये सब जानने के बाद भी मैं यहीं फंसी रही तो तुम मुझे डराती रहना और मैं तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। ओके। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहां। मोस्ट लाइकली तो ये घर तुम्हारा ही था। अब तुम्हारा रूम कौन सा था ये मुझे नहीं पता, और जब तक मैं इस घर का एक एक कोना ना ढूंढ लूं, मैं आराम से नहीं बैठने वाला। तुम्हें यहां पे मिलने का क्या? कोई चाबी, कोई रिटन कोड? कोई तो निशानी छोड़ के गई होगी ना अपनी तुम इस घर में। अगेन, यू हैव बीन वॉचिंग वे टू मेनी बैड मूवीज। अनफॉर्चुनेटली यस, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वैसे तुम्हें इतनी मोटिवेशन के साथ काम करता देखकर ना मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई डेडलाइन करीब है। कुछ ऐसा ही समझ लो भाई, जितनी जल्दी ये मसला हल होगा उतनी जल्दी तुम यहां से दफा होगी और मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। दैट वॉज हाईली ऑफेंसिव, बट लेट मी इग्नोर दैट। खैर, अगर ये घर मेरा था भी तब भी कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ 7 साल पहले रहती थी, इतने टाइम में दुनिया बदल जाती है। तुम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैडम, अगर आप ये बातों के बजाय मेरी मदद कर दें तो शायद हम ये सब जल्दी कर लें। बिल्कुल हो सकता है।
शाहिल भूत था। मुझे तो पता था तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इतने टाइम में हम कुछ और ही कर लेते, कोई बोर्ड गेम ही खेल लेते कम से कम। वाओ, मेरे इस घर से ना निकलने का इतना गम? आई एम ऑफेंडेड। नहीं यार, वो बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई फील रियली बैड। मैंने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब तक कुछ नहीं कर सका। टू बी फेयर, मुझे पता था कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, थोड़ी देर के लिए आई गॉट एक्साइटेड, बट इट्स फाइन, आई एम यूज्ड टू इट। नो, इट्स नॉट फाइन। अगर मैं भी किसी जगह 7 साल से फंसा होता, वो भी बिना किसी से इंटरेक्ट किए, तो मैं भी पागल हो जाता। सॉरी। चलो, कम से कम तुम तो हो यहाँ मेरी बोरियत मिटाने के लिए। आज मैं तुम्हें डरा रही हूँ, कल तुम्हारे बच्चों को। इट मेक्स मी सो इमोशनल। वैसे अभी भी एक कमरा रहता है, वहां चेक करें? आई डोंट नो, बोर होने से तो बेहतर ही है। यहाँ क्या मिलना है तुम्हें? इस रूम में जितना सामान पड़ा है वो हमारे शिफ्ट होने से पहले का है, और क्योंकि ये रूम कभी यूज नहीं होना था, हमने इसे हाथ ही नहीं लगाया। हो सकता है यहाँ तुम्हारा कोई सामान पड़ा हो और हमें कोई क्लू मिल जाए। तुम वो सारे स्टीरियोटाइपिकल काम कर रहे हो जो एक बी ग्रेड हॉरर मूवी का लीस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करता है। इट्स ऑल सो अनरियलिस्टिक। मैं इस वक्त एक भूत के साथ ये ढूंढ रहा हूं कि वो 7 साल पहले कैसे मरी थी। एवरीथिंग अबाउट दिस सिचुएशन इज अनरियलिस्टिक। कुछ मिला? फिलहाल तो नहीं। आई न्यू इट, एक और घंटा ऐसे जाया हो गया। तुम मुझे सुबह से बोर कर रहे हो, अब फिर मैं कुछ करूंगी तो बोलोगे पता नहीं किसने। अबे यहां तो हेरा ए हेरा ए कहीं ये तुम्हारा नाम तो नहीं? हिराब अकील, हिरा अकील, मेरा नाम हिरा अकील है। Watching the fourth episode.
फिफ्थ एपिसोड आ रहा है बहुत जल्द, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी सीरीज अभी तक कैसी लगी एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इज गोइंग टू हैपन। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।